नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365। देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की आज की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं और अब नजर डालते हैं उत्तराखंड की खबरों पर। रुद्रप्रयाग जिले में पिछले साल की तरह इस साल भी रिलायंस फाउंडेशन और जिला प्रशासन के तत्वाधान में 1 सितंबर को जखोली विकासखंड के चिरवटिया में मानसून हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल की अपार सफलता को देखते हुए इस वर्ष इसे और अधिक भव्य रूप दिया जा रहा है। इस दौड़ में हिस्सा लेने के लिए अब तक 800 से अधिक लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। दरअसल चिरबटिया को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए पिछले साल से मॉनसून हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें स्थानीय महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। इस वर्ष भी संपूर्ण भारतवर्ष से इस मैराथन में प्रतिभाग करने के लिए आवेदन आ रहे हैं। मैराथन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो इतना बड़ा इवेंट है, निश्चित रूप से कुछ नया होगा और आप लोग आ रहे हैं, सब परिवार आ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक नया इवेंट होगा। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने एक सफल हाफ मैराथन का आयोजन किया था और उसी के क्रम में इस साल भी हम लोग चिरबटिया में एक हाफ मैराथन कर रहे हैं। इस मैराथन की खास बात यह है कि इसमें हम जो हमारे स्थानीय जो ग्रामीण महिलाएँ हैं उनको दौड़ने का मौका दे रहे हैं। देहरादून जिले में डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही। जिले में करीब 40 और मरीजों के इलाज जांच में डेंगू की पुष्टि हुई है। इस तरह से जिले में डेंगू पीड़ित मरीजों का आंकड़ा अब तक 650 पहुंच चुका है, जिसमें कई मरीजों की मौत भी हो गई। लेकिन सरकार के आला अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं कि डेंगू से लगातार मौत हो रही है। दून अस्पताल की लैब से आई जाँच रिपोर्ट में 40 मरीजों के सैंपल एलाइजा पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 23 पुरुष और 17 महिलाएं शामिल हैं। 38 मरीज दून और एक मरीज दूसरे जिले का है, इनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हाथ पैरों में दर्द हो रहा और सिर दर्द हो रहा, बुखार आ रहा और उल्टी जैसा मन हो रहा। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्या क्या हो गया? डॉक्टर ने कहा कि डेंगू के वो डेंगू गया। हाँ, तो अंदर बिस्तर नहीं मिला? अंदर नहीं मिले, भारी बाहर इलाज करा रहे हो? देखा जाए इसको, डॉक्टर ने कहा कि डेंगू के हो गए, पर प्लेट नहीं गिरी इसकी। उधर मेरी वाइफ भी पड़ी हुई है, दोनों को हो गए, साथ साथ में इसके साथ आए थे, उसको भी डेंगू के लक्षण बता रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि प्लेट नहीं गिरी पर डेंगू वो हो रखा है। हमारे अस्पताल में जो है डेंगू के पेशेंट जो आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग पेशेंट को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, पहले करीब हमारे पास 34 बेड्स थे, 34 बेड में अभी कल हमारे पास 72 पेशेंट थे, आज 65 है, पहले से कुछ कम हुए हैं। सभी का यहाँ उपचार किया जा रहा है, कुछ संख्या बढ़ जरूर रही है, उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली बेड की संख्या यहाँ बढ़ा दी गई है। नैनीताल में रामगढ़ हली में एक व्यक्ति को भालू ने अपना निवाला बना दिया। नथुआ वाला वन रेंज के अंतर्गत हली में एक अधेड़ व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया। हादसा उस वक्त हुआ जब अधेड़ अपने खेत में काम कर रहे थे। इसके बाद एकाएक भालू ने उन पर हमला कर दिया और जख्मी हो गए। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रभुदत्त जोशी अपने खेत में काम कर रहे थे, साथ ही अपनी बकरी को बचाने के चक्कर में भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोटें आईं। गंभीर चोट आने के कुछ देर के बाद अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हम बीन तोड़ रहे थे, बीन तोड़ने के बाद इनकी बकरी कहीं इधर निकल गई थी, उसको ढूंढने आए तो अचानक भालू ने इनको अटैक कर दिया। चुनाव जीतने के बाद पहली बार नैनीताल पहुंचे सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का कार्यकर्ताओं ने तलीताल से मलिताल तक भव्य स्वागत किया। अजय भट्ट को चीना बाबा चौराहे से ढोल नगाड़े की थाप पर नैनीताल क्लब ले जाया गया, जहां पर पार्टी के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सम्मान पाकर अजय भट्ट गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि सम्मान के असली हकदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये सम्मान प्रत्येक कार्यकर्ता का है जिन्होंने उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताने में पूरी मेहनत की। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी के द्वारा हर काम किया जा रहा है जिससे उत्तराखंड की जनता को मदद मिल सके। अजय भट्ट ने कांग्रेस के आरोपों को झूठा बताया और कहा कि जो जांच एजेंसियां हैं वो सही तरीके से अपना काम कर रही हैं, किसी भी निर्दोष आदमी को नहीं पकड़ा जा रहा। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं अजय भट्ट ने शराब फैक्ट्री पर भी बात की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सिर्फ बॉटलिंग प्लांट लगाए गए हैं, इसमें बाहर से सामान लाकर भरा जाएगा, साथ ही इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। आरोप लगाने का कोई कारण नहीं है, खिसियाहट में आरोप लगा रहे हैं और अपने को बचाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। बॉटलिंग करने के लिए, बोतल में भरने के लिए, उसके एवज में मजदूरी या फिर जो भी तनख्वाह दी जाएगी वो तनख्वाह से बेरोजगारी दूर होगी।
टिहरी के स्वामी रामतीर्थ परिषद बालसाहित्य हॉल में छात्र संघ चुनाव को देखते हुए नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परिसर में विभिन्न पदों पर 27 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज करवाया। इस मौके पर मुख्य चुनाव अधिकारी एनके अग्रवाल ने कहा कि नामांकन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया गया। आगे नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और परिसर में 3 सितंबर को छात्र संघ चुनाव संपन्न होगा। आज जो है छात्रों द्वारा 26 छात्रों द्वारा नामांकन किया गया है विभिन्न पदों पर, और इसके लिए कल जो है नामांकन पत्रों की जाँच होगी और नाम वापसी का दिन भी कल ही के दिन है, और शाम को 4 बजे के बाद वैध प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। टिहरी जिले में राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के चयन के लिए 2 दिवसीय ट्रायल में 100 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें फाइनल ट्रायल में 15 खिलाड़ियों का चयन किया गया जो अब देहरादून में राज्य स्तरीय ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद राज्य स्तरीय टीम का चयन किया जाएगा। पूरे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन सीईओ की जिनका सबका धन्यवाद है, और एक पहाड़ में एक जो लोग काफी दिनों से बच्चे खेल में स्ट्रगल कर रहे थे उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिलेगा। चमोली के बद्रीनाथ मंदिर में तप्त कुंड स्थित है जिसमें गर्म पानी निकलता है। इस कुंड में स्नान करने का धार्मिक महत्व बताया जाता है, साथ ही इससे स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। इसी कुंड से निकलने वाली गर्म पानी की धारा दिव्य शिला से होते हुए 2 तप्त कुंडों तक पहुंचती है जिसमें यात्री स्नान करते हैं। माना जाता है कि गर्म कुंड के कुंड में स्नान करने से शरीर की थकावट के साथ ही चर्म रोगों से भी निजात मिलती है। इस पानी में गंधक की मात्रा काफी ज्यादा है, यही कारण है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री इन तप्त कुंडों में स्नान के लिए पहुंचते हैं। 4 उत्तर में और 4 पश्चिम। उत्तर में सबसे मेन यह है बद्रिकाश्रम, और दूसरा है अयोध्या, तीसरा है वृंदावन और चौथा है मुक्ति नारायण। चीन के बॉर्डर पे है, वहाँ से शालिग्राम भगवान गंडकी नदी आई है जिसमें गज और ग्रह का लड़ाई हुआ था, वो चौथा वैकुंठ है, और 4 दक्षिण में है। आज आपने देखी उत्तराखंड की क्या क्या खबरें थी, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी। इसी तरह की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।